तो फाइनली गाइस आज सुबह से और अभी तक एडवांस बुकिंग के जो आंकड़े सामने आए हैं फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के, उसे देखकर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आखिरकार बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ने अपनी एडवांस बुकिंग की रफ्तार अब पूरी तरह से पकड़ ली है। और दोस्तों कल जब 11 अप्रैल को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो अपने ओपनिंग डे पर यह फिल्म एक बड़ी ओपनिंग लेती हुई हमें नजर आएगी। जब दोस्तों आज सुबह से जो फिल्म की एडवांस बुकिंग हुई है वो वाकई शानदार हुई। अगर अपने पहले ही दिन से इस फिल्म ने ऐसी एडवांस बुकिंग की होती तो शायद जो मैं सोच रहा था कि फिल्म एक बड़ी ओपनिंग लेगी, शायद मेरी सोच से भी ज्यादा ओपनिंग ये फिल्म ले लेती। लेकिन दोस्तों अभी चलो ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी फिलहाल एडवांस बुकिंग के आंकड़े जो सामने आए हैं वो वाकई बेहतरीन और बेहतरीन आए हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि बड़े मियां छोटे मियां ने अभी तक इंडिया के अंदर टोटल कितने एडवांस कर लिए, वहीं ओवरसीज से कितनी एडवांस हो चुकी है, और कल जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो अपने ओपनिंग डे पर ये फिल्म कितनी बड़ी ओपनिंग करती है हमें नजर आएगी। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की तो ये कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है, अक्षय कुमार के करियर की अब तक की सबसे जबरदस्त और सबसे बड़ी फिल्म है। बड़े मियां छोटे मियां जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी है, जिसको प्रोड्यूस किया है जैकी भगनानी, वासु भगनानी और दीपशिखा देशमुख ने। और फिल्म में हमें एक बड़ी स्टार कास्ट अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन, रौनित रॉय बॉस, मानुषी छिल्लार और सोनाक्षी सिन्हा अहम किरदारों में नजर आने वाली है। और दोस्तों फिल्म का जो बजट है वो लगभग 350 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, हालांकि ऑफिशियल नहीं है। जैसी ऑफिशियल रिपोर्ट फिल्म के बजट की आएगी तो मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल अभी तक फिल्म ने जो एडवांस बुकिंग की थी आज सुबह तक वो बहुत ही बिल्कुल स्लो थी, और देखकर लग रहा था कि भाई क्या एडवांस बुकिंग चल रही है, कितनी बड़ी फिल्म है, कितने बड़े सुपरस्टार की फिल्म है, कितने बड़े डायरेक्टर की फिल्म है, और इतनी कम एडवांस ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन आज सुबह से और अभी तक के आंकड़े जो सामने आए हैं वो वाकई शानदार है। तो चलिए नजर डालते हैं कि फिलहाल क्या हुआ है फिल्म की एडवांस बुकिंग को लेकर। तो देखिए दिल्ली NCR में जब सुबह की रिपोर्ट मैंने आपको दी थी तो तकरीबन 5 से 6% की ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन दोस्तों अभी डबल का फर्क हो चुका है क्योंकि अभी फिल्म को होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। दिल्ली NCR के अंदर 12% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी हो चुकी है और फिल्म के पास 300 से ज्यादा शोज हो चुके हैं, और जिसमें से 30 शोज ऐसे हैं जो पूरी तरह से ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं और 10 यहां पे फास्ट फिलिंग है। और मुंबई की अगर बात करूं तो यहां पे भैया और भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है, फिल्म की लगभग 14% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी हो चुकी है और फिल्म के पास 310 शोज है जिसमें से 20 शोज ऑलमोस्ट पूरी तरह से फुल हो चुके हैं और 20 यहां पे फास्ट फिलिंग है। पुणे के अंदर भी 2% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी हो चुकी है, फिल्म के पास 95 शोज है। बेंगलुरु के अंदर 2% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी हो चुकी है और फिल्म के पास 70 शोज है। हैदराबाद में भी लगभग 4% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी हो चुकी है, फिल्म के पास 25 शोज है। कोलकाता में भी 8% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 95 शोज है। अहमदाबाद में भी लगभग 3% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी हो चुकी है, फिल्म के पास 270 शोज है। चेन्नई में 7% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 35 शोज है। मतलब अब कहने का यह है कि आप अंदाजा लगाइए कि कहीं पर भी ऑक्यूपेंसी में अब कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई 0% की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म को लेकर कोई भी क्रेज नहीं है। अभी नजर आ रहा है कि भैया फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज है। दिल्ली NCR में 12% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी, मुंबई में 14% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी, तो वाकई ये शानदार है। सुबह तक ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं देखा था। अगर मैं जयपुर की बात करूं, हालांकि यहां पे फिल्म के पास शोज उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन ऑक्यूपेंसी देखिए आप 20% से ज्यादा क्यों हो चुकी है और फिल्म के पास 45 शोज है। चंडीगढ़ में भी 4% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी हो चुकी है और फिल्म के पास 35 शोज है। लखनऊ और बाकी जितने भी शहर है, भोपाल वगैरह, इन सभी शहरों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स फिलहाल फिल्म को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दुर्गापुर में भी तकरीबन 15% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। और इसके अलावा अगर कानपुर की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 2% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। कोल्हापुर में 10% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी है। कोटा में 17% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी है। यानी कि अभी मजा आ रहा है कि भैया फिल्म की एडवांस बुकिंग बढ़िया चल रही है। अगर पहले ही दिन से फिल्म ने इस तरह की एडवांस बुकिंग की होती तो वाकई मजा आ जाता। तो लेकिन फिलहाल
अगर मैं बात करूं फिल्म की अभी तक की टोटल एडवांस बुकिंग की, तो जो मैंने आपको सुबह अपडेट दिया था उसमें मैंने आपसे बताया कि भैया 2,60,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। लेकिन अगर अभी तक की रिपोर्ट में आपको दूं तो दोस्तों 3,20,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ने अपने फर्स्ट डे यानी कि कल 11 अप्रैल के लिए कर ली है 3,20,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग। और दोस्तों इसी तरह से चलता रहा, जिस तरह से अभी हाइप बनाई है और जिस तरह से फिल्म की एडवांस बुकिंग ने अभी तक बहुत सारे टिकट बेच दिए है, और अभी शाम बाकी है, शाम दूर है और पूरी रात एडवांस बुकिंग चलेगी, यानी कि अभी जो आने वाले 14 से 15 घंटों का अपडेट आने वाला है ना, वो बहुत शानदार आने वाला है। और मुझे लगता है दोस्तों कल जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो अपने पहले ही दिन धमाल मचाते हुए कम से कम 20 करोड़ रुपए से ऊपर की ओपनिंग ये फिल्म कल अपने फर्स्ट डे पर लेने वाली है। 20 करोड़ रुपए से ऊपर की ओपनिंग ये फिल्म सिर्फ इंडिया के अंदर लेने वाली है, इस बात को आपको याद रखना है। और ये बिल्कुल हकीकत है जिस तरह का फिलहाल फिल्म के लिए क्रेज हमें नजर आ रहा है। और मैं कहता हूं कि 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग अगर ले रही है फिल्म बड़े मियां छोटे मियां तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिल्म के पास फिर पूरा वीकेंड है। अगर फिल्म को कल तारीफें मिलती है, फिल्म को अच्छे रिव्यू मिलते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, तो मुझे लगता है कि फिर ये पूरी तरह से फिल्म फाड़ देगी और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं है और अपने वीकेंड पर ही ये फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े को पार करके बहुत आगे निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों फिर भी आपने कौन से शहर, कौन से सिटी में फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टिकट बुक किया है कमेंट में जरूर बताइएगा।